Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. Dawn newspaper, iske editorial aur opinions ka analysis kiya jayega with practice question. Ye series continue thi and today is 6th of December 2023. So ji, kya hai aaj ke Dawn newspaper ke opinion wale page ke andar? Teen editorials hain. 1, 2, and 3. Then we move forward और चार opinion है 4, 5, 6, and 7. इन सब को हम जो है step by step जो है discuss करेंगे, analyze करेंगे और particularly जो competitive exams हैं उनके point of view से हम चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं या ऐसे points हैं जो हमारे paper में भी हमारे काम आ सकते हैं. And the main thing इस series को continue करने का जो main मकसद है वो ये है कि आपके जो आइडियाज हैं उनमें मेच्योरिटी आ जाए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठें तो आपको जो इशू, कोई भी इशू हो, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव का पता हो. सो जी, रूटीन में जो चीजें हैं वही हैं जी. पीडीएफ लिंक जो है न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहां से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड 7 चैप्टर्स बना दिए जाएंगे इस लेक्चर के और उनमें से 3 जो होंगे वो एडिटोरियल होंगे और 4 जो होंगे वो ओपिनियंस होंगे. और ये भी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टाइमलाइन जो है वो आपको मिल जाएगी, वहां से आप कोई भी जो है डायरेक्टली भी उसको सुन सकते हैं. एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. और इसके अलावा भी कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमको जरूर बताना है कि आप क्या लर्न कर रहे हैं. एंड ये आपका काम है बींग अ टीम. आप भी हमारे टीम के जहर मेंबर हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपने इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है एंड कमेंट्स जरूर करने हैं. That is positive as well as negative. अगर आपको कोई चीज लगती है कि ये ठीक नहीं है, you can also comment के साथ इसको जरा थोड़ा सा elaborate कर दें. And personally आप lecture सुनते हैं, अगर आप किसी को, आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप comment section के अंदर जो है बता सकते हैं कि ये चीज समझ नहीं आई है. वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज जो है वो समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं होती तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. मैं या तो कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, अदरवाइज जो नेक्स्ट लेक्चर हम किया करेंगे उसके अंदर आपको प्रीवियस वाले जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई जरूर दे दूंगा. सॉरी, ये करंट इश्यूज हैं जो कि कंटिन्यू है, इसकी हम आपको स्लाइड शो करवा देते हैं. ये आपने खुद ही पढ़ लेना, इस पर हम टाइम नहीं जाया करेंगे. तो ये रनिंग में है ग्लोबल जो इश्यूज चल रहे हैं करंट, ठीक है. एंड ये जो है ये नेशनल इश्यूज हैं पाकिस्तान के जो अभी रनिंग में है. वैसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं लेकिन ये चल रहे हैं, रनिंग में है, ठीक है ना, ऑन गोइंग है. तो इनको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है पॉज करके इस वीडियो को. सॉरी, फर्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है वो है ऑब्जेक्ट फेलियर, ठीक है ना. तो ये ऑब्जेक्ट फेलियर फर्स्ट जो है, फेलियर ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग आपको बता दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बेसिकली होता है कि समथिंग बैड एक्सपीरियंस और प्रेजेंट टू द मैक्सिमम डिग्री. यानी कि ऐसी एक होती है चीज के आप कह सकते हैं कि ये चीज बुरी हो गई है, आपका एक्सपीरियंस बुरा हो गया या ये चीज जो है ये ठीक नहीं रही, लेकिन जब उसकी हद हो जाती है ना तो हम उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट. होता ये भी फेलियर ही है लेकिन इसकी क्या ने हद हो जाती है, बहुत ज्यादा पीक पे जो चीज होती है. तो यहां तक जो फेलियर है वो पावर सेक्टर के अंदर वो उसकी हद ही हो चुकी है, यानी कि उसकी इतना बुरा हो चुका है कि मैक्सिमम जितना बुरा हो सकता था वो हो गया है. अब बात होगी यहां पर पावर सेक्टर की, ठीक है, नेपरा की होगी, डिस्कोस की होगी और ओवरचार्जिंग का इशू होगा. तो यहां हम पावर सेक्टर के अंदर जो खराबी है, जो फेलियर है, उसको डिस्कस करेंगे. और इसके अंदर ये दो जो मेन, नेपरा और डिस्कोस, इनकी बातें की जाएंगी, जिसमें जो है लोगों को ज्यादा बिलिंग करने का मसला था. और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सॉल्यूशंस क्या हैं, एज वेल एज आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर में आप इसको कहां पे फिट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो पहले आपको मैं जो है एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले ये मुनासिब समझूंगा कि आपको नेपरा का हल्का सा आइडिया दे दूं कि व्हाट इज नेपरा. तो नेपरा है जी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक हो गया. एंड 1997 के अंदर इसको बनाया गया था और ये पाकिस्तान के अंदर ये फॉल करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये आती है, ठीक है ना. अब इसका बनाने का मकसद क्या था, व्हाट इज द पर्पस एनर्जी सेक्टर के अंदर इसका मतलब मकसद क्या है इसको बनाने के, नेपरा के. तो सेक्शन 7(3) के मुताबिक इसको बनाया गया था. इसका जो
मकसद है ना बेसिकली वो यही है कि जो पावर है ना उसको डिटरमाइन किया जाए उसके टैरिफ रेट्स को, ठीक है ना। चार्ज जो टैरिफ होता है बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, आप इसको सादा अल्फाज में टैक्स कह सकते हैं, ज्यादा अंदर नहीं मैं इसके जाता, तो आप कह सकते हैं टैक्स, क्योंकि टैक्स की भी बहुत सारी किस्में होती हैं एंड वन ऑफ देम इज टैरिफ। तो इसका मतलब यह है कि इस कंपनी को बनाया गया, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाया गया ये डिटरमाइन करने के लिए कि पावर सेक्टर के अंदर कितना टैक्स लगाना है, चार्जेस कितने होने चाहिए, और इसके अलावा इसका जो काम है यानी कि सारे काम समझ ले कि ये यही करती है, जैसे जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है ना जो जनरेट कर रही हैं, ट्रांसमिशन कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, वो सारी की सारी नेपरा के पास आती हैं और नेपरा ही उनको लाइसेंस देता है, ठीक है। नेपरा उनको लाइसेंस देता है तो फिर वो जाकर काम करती है। तो नेपरा का मेन काम क्या है कि ये सारे के सारे जो पावर सेक्टर को देखना, लाइसेंस इशू करना, टैक्स का हिसाब लगाना, बढ़ाना है तो तब भी इसने बढ़ाना है, काम भी करना है तो इसने करना है, सब्सिडी जो भी काम मामला आते हैं ये सारे किसने देखने हैं, नेपरा ने देखने हैं, ठीक हो गया। ये आपको मकसद समझ आ गया कि नेपरा एक बड़ी कंपनी है, मेन है यानी कि पाकिस्तान में। उसके बाद नीचे आ जाती है आगे दूसरी, जैसे मैं अभी ये बात कर रहा हूँ ना नेपरा की, तो मेन होगी नेपरा और उसके नीचे ये डिस्कोस हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो करती हैं, ठीक हो गया जी। अब ये जो डिस्कोस हैं इन्होंने लाइसेंस लिया है इससे कि हम ये जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ये जिम्मेदारी ली है, और इस जिम्मेदारी को उन्होंने सही तरह नहीं निभाया, इसमें हेर फेर किया है, और उस हेर फेर की वजह से हम कह रहे हैं कि नेपरा जो है इनको रोकने से क्या हो गई है, फेल हो गई है, नेपरा को रोकना चाहिए था। अच्छा, ये पावर सेक्टर का एक हल्का सा मैं आपको स्ट्रक्चर भी पाकिस्तान में दिखा दूं। अब होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर पहले पावर बनाई जाती है, बिजली पैदा की जाती है, तो उसमें वापटा है और ये जेनकोस है और आईपीपी है, ठीक है, ये पावर बनाते हैं और फिर ये आगे देते हैं, ठीक है, नेशनल ट्रांसमिशन के लिए यानी कि आगे गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है ना, और गवर्नमेंट आगे जो है ये कंपनीज हैं डिस्कोस यानी कि जो इस क्या करती हैं गवर्नमेंट क्या करती है इससे पावर खरीदती है, और यहां से फिर इन कंपनियों के थ्रू क्या करती है पावर आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये कंपनियां यहां पर हैं, यहां पर उसने 10 लिखी है लेकिन अब 11 कंपनी, सॉरी ये के इलेक्ट्रिक भी डाल के, तो ये कंपनी क्या करती है कुछ रूल्स के तहत क्या करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है ना। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ये करती है ना उसके कुछ रूल सेट होते हैं, और इस एडिटोरियल में यही बताया गया है कि जो रूल सेट किए थे नेपरा ने उनकी इन सब कंपनियों ने क्या की है वायलेशन की है, और उस वायलेशन की वजह से एक आम इंसान को क्या है यानी कि नुकसान हुआ है, उसको बिल ज्यादा आया है और मिलियंस जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, इकोनॉमी भी सिचुएशन भी खराब है और लोगों को बिल भी ज्यादा आया है, क्यों आया है इन लोगों की खराबी की वजह से, इन कंपनियों की नाअहली की वजह से, और उस नाअहली को पूछना था नेपरा ने लेकिन नेपरा ने इनको नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा वो आगे देखते हैं। तो ये आपको पावर सेक्टर समझ आ गया। अब एक चीज और आपको बता दूं, ये आईपीपी जो हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये बेसिकली अभी जो आपको पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस की समझ आ रही है, तबाही हो रही है, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है ये आईपीपीज हैं। यानी कि आईपीपीज क्या हैं ये भी बता देता हूं, अगर आपके पास पैसा है आप गवर्नमेंट को कहें मैं आपको इतनी बिजली पैदा करके दूंगा मेरे साथ रेट फिक्स कर लो, तो गवर्नमेंट आपके साथ रेट फिक्स कर लेगी, लेकिन जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन आईपीपी के साथ रेट फिक्स किए ना तो उसको पोलिटिसाइज कर दिया उन रेट्स को, और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है यानी कि बिजली की खरीदारी का जो कंट्रैक्ट किया गया जो कि अक्ल से बालातर है, अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो फिर हमारी स्टोरी और शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूँ, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की में की बहुत सारी वजूहत हैं, और उन वजूहत में से एक बड़ी वजह आईपीपी के साथ जो पाकिस्तानी प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऐसी नाहली आपको नजर आती है कि वहां से भी पता चलता है कि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर क्यों है और बिजली इतनी महंगी क्यों है, उसकी वन ऑफ द रीजन आईपीपीज हैं, ठीक हो गया। आगे मैं चलता हूँ, आगे आ जाते हैं जी अपना जो उसने एडिटोरियल वाले ने लिखा है। आईपीपीज की आपको समझ आ गई, और सॉरी नेपरा की समझ आ गई, नेपरा क्या है, डिस्कोस की समझ आ गई, डिस्कोस क्या है, इन दोनों फिगर्स की समझ आ गई। अब इनके ऊपर जो है एडिटोरियल डिस्कशन होगी, कहते हैं रेगुलेटरी फेलियर है पावर सेक्टर के अंदर,
ठीक है, कौन सा फेलियर? रेगुलेटरी, रेगुलेट करने वाला, के पावर को रेगुलेट करना, एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचा देना, कस्टमर तक पहुंचा देना, रेगुलर करना। अब इंक्वायरी एक होती है जो कि कंडक्ट करता है नेपरा, नेपरा खुद ही एक इंक्वायरी कंडक्ट करता है और उसके बाद पता चलता है उसको कि ये जो डिस्काउंट्स है ना, ठीक है ना, ये क्या कर रही हैं, ओवरचार्ज कर रही हैं, ओवरचार्ज कर रही हैं सिटीजन्स को। इन्होंने ओवरचार्ज किया 2 महीनों में, जुलाई में और अगस्त में, ठीक है ना। और ये कब अनकवर हुआ, ये सितंबर 2021 में, 2 साल पहले जो है ये पता चला नेपरा को कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कोस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इसमें लेस्को, पेस्को, टेस्को, मस्को जितनी भी हैं सारी आ जाती हैं, जो पीछे ये आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी जो है, ये वाली सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है, के इलेक्ट्रिक भी इसके अंदर आ जाती है। तो ये जो है, ये है डिस्कोस, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर नेपरा ने जो है एक इंक्वायरी कंडक्ट की और नेपरा को ये पता चला कि जनाब जुलाई 2021 और अगस्त 2021 के अंदर, 2 महीनों के अंदर इन्होंने क्या किया है, ओवरचार्ज किया है लोगों को। और ये पता इसे कैसे चला, होता ये है कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है ना वो कर देती है टैरफ को इंक्रीज, नेपरा को, यानी कि नेपरा कहती है टैरफ, टैक्स को, टैक्स बढ़ा देती है। जब ये टैक्स बढ़ाती है ना तो फिर साथ ही क्या होता है कि ये वाली जो डिस्काउंट्स कंपनी है ना ये भी अपने एडिशनल चार्जेस साथ लगा देती हैं, तो लोगों पर पड़ जाता है डबल बर्डन, और लोग जो आम आदमी है ना उसके ऊपर डबल बर्डन पड़ता है, तो वो बाहर गलियों में निकल आते हैं, आके प्रोटेस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, बिल जला देते हैं। तो फिर गवर्नमेंट कहती है हमने तो भाई थोड़ा सा टैक्स ही बढ़ाया था, तो ये इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने फिर जब इंक्वायरी जो है करवाई तो उससे पता चला कि हमने तो जो टैरिफ बढ़ाया था वो तो एक अलहदा बात है, इन कंपनियों ने एडिशनल चार्जेस अपनी तरफ से भी लगा दी हैं, जिसकी वजह से अवाम ने पीटना शुरू कर दिया है। और ये कब पता चलता है, सितंबर 2021 के अंदर। अब इन कंपनियों ने क्या किया, इन्होंने तो टैक्स बढ़ा दिया ना, ये तो टैक्स नहीं लगाती, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कैसे जो है एडिशनल चार्जेस लगा दिए, इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो है ना लोगों को चार्ज कैसे किया कि बिलिंग का नेपरा ने जो एक जो है ना लिमिट रखी हुई है 30 डेज की, कि 30 दिन का आप लोगों ने लोगों को बिल भेजना है, इससे ज्यादा नहीं भेजना, 30 दिन के पीरियड का बिल भेजना है लोगों को, नेपरा का ये रूल्स हैं जो सेट किए हुए हैं डिस्कोस के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इन कंपनियों ने कि 30 दिन की वायलेशन कर दी, और जो टाइम पीरियड है उसको जैसे तैसे, जैसे वो कहते हैं मीटर रीडिंग करने वाला आता है आगे पीछे करके मीटर रीडिंग ले जाता है, यूनिट ज्यादा ले जाता है तो फिर उसके ये फिर क्या होते हैं, बिल ज्यादा आता है। तो इस तरह से काम करके इन लोगों ने एडिशनल चार्जेस लगा दिए और लोगों को बिल ज्यादा आ गए, तो लोगों ने फिर प्रोटेस्ट किया, फिर इंक्वायरी हुई तो पता ये चलता है, तो ये 2 साल पुरानी बात हो जाती है। अब वो आगे कहता है कि टोटल 11 डिस्काउंट्स कंपनियां हैं जिनमें से 8 जो हैं अभी भी जो है ना यही काम कर रही हैं, अभी भी वो ऐसे ही कर रही हैं, कंटिन्यूसली ओवर बिलिंग लोगों को भेज रही हैं इस तरह के ऊपर वाले हरबे इस्तेमाल करके। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो एक्शन लेगी, लेकिन कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया, ऐसे ही काम चलता जा रहा है, 2 साल गुजर चुके हैं और सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक ने जिसने कुछ रिफॉर्म्स की हैं। अब इससे होकर है, इससे ये हो रहा है कि मिलियन ऑफ कंस्ट्यूमर्स जो है उनको ओवर बिलिंग का सामना करना पड़ रहा है, उनको बिल ज्यादा आ रहा है, और कहता है ये सारा जो बिल ज्यादा आ रहा है लोगों को, इसकी जो जिम्मेदारी है ना वो नेपरा के ऊपर जाती है, नेपरा को ब्लेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नेपरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि ये जो 30 डेज की जो लिमिट है इसको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, नहीं कर जो कर रही डिस्को कंपनीज उनके लाइसेंस कैंसिल कर दें या उनको जो जुर्माना करें। तो ये कहता है किसी और को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेपरा जो है ना वही इसके जिम्मेदार है। और आगे वो कहता है कि नेपरा ने जो है ना कोई एक्शन नहीं लिया इन वायलेटर्स के खिलाफ, इसलिए भी ये जिम्मेदार है नेपरा, 2 साल हो गए हैं इसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब कहता है कि होना ये चाहिए कि नेपरा के अंदर इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चला जाए कि कौन से ऑफिशियल्स हैं जो कि इस इशू को सीरियस नहीं ले रहे ओवर बिलिंग को, ठीक है जी। तो ये है इसका एडिटोरियल। अब इसके अंदर पेपर पर्सपेक्टिव में आप इसको लेके जा सकते हैं, आपका एनर्जी का टॉपिक है उसके अंदर आप लेके जा सकते हैं, आप इकोनॉमी के अंदर लेके जा सकते हैं, और वहां पर आप ये कह सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है और उसकी एक रीजन ये भी है कि जो नेपरा है, जो नेशनल जो ये वाली नेपरा जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये क्या कर रही है, ये एक ऐसी ऐसा अदारा है जो कि अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहा। तो इस वजह से भी क्या है,
वो क्या हो रहा है कि ये जो कंपनीज हैं ये क्या कर रही हैं, अपने पर्सनल मफादात के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करती हैं। जैसे ये 30 डेज वाला टैक्टिक्स है, तो उससे क्या होता है, लोगों को ओवर चार्ज होता है, लोगों के एक जो है ओवर बर्डन होती है। और इसी तरह कई लोग हैं वो छोटे छोटे कारोबार भी करते हैं, तो जब वो छोटे छोटे कारोबार करते हैं तो उनको बिल ज्यादा आता है एनर्जी क्राइसिस की वजह से, तो फिर उनके कारोबार डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट कर होता है, ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी, लोगों के घरों की इकोनॉमी के अंदर भी, बाकी क्योंकि वो चीजें कुछ ऐसी बना रहे होते हैं जो फिर हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती। तो एक्सपोर्ट के ऊपर भी, ये सारी चीजों के ऊपर क्या होता है, इस नेपरा की नहली की वजह से क्या है, एनर्जी का जो सिस्टम है वो खराब होता है और इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। तो इकोनॉमी के अंदर आपको पता है एनर्जी जो है एक अहम पिलर है। एनर्जी अगर सस्ती होगी, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसी के ऊपर इकोनॉमी स्टैंड करती है, जिस मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वहां पर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं। और वो कहाँ पर होती है, जहां पर लेबर सस्ती होती है और एनर्जी सस्ती होती है। ये दो जो चीजें हैं, जिस मुल्क में सस्ती होती हैं आप वो मुल्क ग्रो करता हुआ नजर आएगा, और चाइना इसकी वन ऑफ द एग्जाम्पल है, चाइना भी इसकी एग्जाम्पल है, बांग्लादेश इसकी एग्जाम्पल है। तो जो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो रीजंस हैं इनकी वजह से पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही। तो आप इनको ना इंटरलिंक कर सकते हैं चीजों को, बस आप में थोड़ी सी मेच्योरिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलें जी, अब आप चलते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल की तरफ, हिडन स्कार्स। स्कार्स बेसिकली होते हैं, ये जो मैंने लगा दिया पिक्चर ही, बताने से बेहतर था मैंने कहा दिखा ही दूं, ये जो आपकी स्किन के ऊपर साइन निशान पड़ जाते हैं ना, स्किन के ऊपर किसी चीज के मार्क, जिसे आप बोल सकते हैं स्कार्स हो गया, मार्क हो गया, चोट लगने के या किसी और चीज के, जब आप किसी को मारते हैं पीटते हैं तो उसके जिस्म के ऊपर इस तरह के निशान नीले पीले बन जाते हैं, तो इनको कहा जाता है स्कार्स, हिडन छुपे हुए। अब यहाँ पर ये बात किसकी करेगा, यहाँ पर ये बात करता है जेंडर बेस्ड वायलेंस की। तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस रहेगा, जेंडर स्टडीज जैसा तरह आपने पढ़ा, और जेंडर इनइक्वालिटी जो आपका है, ठीक है ना, जेंडर इनइक्वालिटी जो आपको पेपर में ऐसे भी इसके ऊपर आता है, हमेशा इसके ऊपर तकरीबन वो ऐसे दे देता है सीएसएस के अंदर, बड़ा अहम टॉपिक है, लेकिन डिमेंशन आपको, अब यह है डिफरेंट डिमेंशन में आपको पढ़ना पड़ता है इसको। वुमेन राइट्स की बात होगी, जेंडर बेस्ड वायलेंस को उसकी फॉर्म्स की बात होगी, कितनी शक्लें हैं, रिसर्च स्टडी क्या कह रही है, जेंडर बेस्ड वायलेंस पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके ऊपर बात होगी, रेमेडीज क्या है, क्या क्या काम कर सकते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करने के लिए, उसके ऊपर बात होगी। और ये बातें सीधी सी बात है, यही तो ऐसे है और ऐसे किसको कहा जाता है, यही तो करंट अफेयर है, ठीक है। अच्छी इंग्लिश में ऐसे में ये होता है, मालूमात करंट अफेयर वाली ही होती हैं, लेकिन वेल रिटन होनी चाहिए, अच्छी लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल चीजें देखकर आपको लिखना पड़ता है ऐसे में। लेकिन करंट अफेयर में आपकी जो होती है ना, जैसे हमारी साइंस वाली इंग्लिश भी आपकी चल जाती है, ठीक है, यही डिफरेंस होता है ऐसे में और दूसरों में जी। कहते हैं द वर्ल्ड ऑब्जर्व 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। असल में अब क्या है, 16 डेज चल रहे हैं जो कि जिसमें क्या किया जाएगा, अगेंस्ट एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस को ऑब्जर्व किया जाएगा, और ये दिन 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक है, ठीक है जी। ये ओपिनियन के अंदर भी उसने मेंशन किया होगा, ये 16 दिन जो है इस काम के लिए रखे हुए हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को क्या किया जाए, एक्टिविज्म उसके खिलाफ जो है ना उसको चेकआउट किया जाए। अब जी ये बात होगी, कहता है पाकिस्तान के अंदर जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो बड़ी है, और ये क्यों कह रहा है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये कहा है, ठीक हो गया। आगे कहता है कि फॉर्म्स कौन सी हैं, ऑनर किलिंग होगी, इज्जत की खातर मार देना, डोमेस्टिक अब्यूज, डोमेस्टिक होता है आपकी जो घरों में जो मारपीट होती है उसको कह सकते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन हो जाता है, जिंसी तौर पर एक्सप्लॉयट करना, तो ये फॉर्म्स हैं। तो कहता है इससे क्या, फ्यू आर ड्यू टू सोसाइटिकल नॉर्म्स, इनमें से कुछ ऐसी हैं जो हमारे सोसाइटिकल नॉर्म्स कहते हैं रस्म अपना रस्म रवाज वगैरह को, सोसाइटी हमारी माशरती रस्म रवाज की वजह से हैं, जैसे कि ऑनर किलिंग सीधी की सीधी इसकी वजह से है, ठीक है ना। और फिर इन्हीं सोसाइटल नॉर्म्स की वो एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करता है कि कैसे इंसिडेंट्स हुए हैं ऑनर किलिंग के ऊपर, वो जैसे थट्ठा के अंदर और खैरपुर के अंदर इंसिडेंट हुए थे, और अभी रिसेंटली जो कोहिस्तान के अंदर हुआ है, कोहिस्तान में क्या हुआ है, एक लड़की है जिसकी जो वीडियो है डांस करती हुई वो वायरल बन के, वीडियो डांस डांस कर रही है उस वीडियो के अंदर,
वो वायरल होगी, तो जिरगा ने उस केस के ऊपर क्या किया, कहा कि इस लड़की को मार दो, इसका कत्ल कर दो, खत्म कर दो इसको। इसी तरह से छह औरतों को जो है, छह वुमेन को, वो शादी पे थी वहां पर, वो कोई जैसे वो थोड़ा बहुत भंगड़ा डालते हैं, ये डांस करते हैं शादी के मौके पर, तो उनकी जो कोई वीडियो आ गई तो उनको भी मार दिया गया। तो ये क्या है सारा, ये ऑनर किलिंग की कैटेगरी में वो लोग लेकर जाते हैं। तो ये फॉर्म्स हैं, ठीक हो गया। आगे जो है एक रिसर्च होती है, जो रिसर्च बताती है कि क्या परसेंटेज है, और वो रिसर्च कौन करवाता है, पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे और साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये मिलकर एक रिसर्च करते हैं। और रिसर्च में ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर 39% जो वुमेन्स हैं जिनकी उम्र 15 to 49 ईयर है, वो क्या सफर करती हैं अब इस अब्यूज से जो ऊपर हमने बताई हैं। 80% वो वुमेन्स हैं जो मैरिड हैं, और वो वुमेन भी क्या करती हैं, उनको भी डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, यानी कि घरों में मारपीट और इस तरह की चीजें चलती रहती हैं 80% वुमेन के साथ। अब कहते हैं जरूरत इस चीज की है कि अर्जेंट जो है जस्टिस किया जाए, लेकिन अर्जेंट जस्टिस कैसे किया जाए, साथ भी एक वो कहते हैं कि प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल एपैथी एंड जुडिशियल इनएक्शन कंपाउंड दिस क्राइसिस, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पुलिस वगैरह है या कोई ऐसा है, तो वहां पर अगर कोई जाता है तो इस चीज को रिकॉर्ड करवाने के लिए कि मेरे शोहर ने मुझे मारा है या मेरे भाई ने मुझे मारा है, तो उसको सीरियस ही नहीं लिया जाता, एक चीज तो ये। दूसरा जुडिशियल इन एक्शन, यानी कि जुडिशरी जो है वो भी क्या करती है, अगर कोई केस ही कर देता है, कोई औरत केस कर देती है कि मुझे मारा पीटा गया है, तो उसकी कोई कहते हैं कोई बात नहीं, ये कौन सा बड़ा काम हो गया, मेडिकल करवा के आओ जी आप, तो उसको सीरियस ही नहीं लिया जाता इस चीज को। जहां पर पहले ही इतना कत्लो गारत के केसेस चल रहे हों, तो वहां पे इतनी छोटी छोटी चीजों को वो फील ही नहीं करते। और दूसरा बड़ी बात कह देते हैं कि ये जनाब इनके घर का मामला है, पुलिस वाले तो अक्सर ही कह देते हैं कि ये इनके घर का मामला है, हमें इसमें मुदाखलत ना ही करनी चाहिए तो बेहतर है, जा बीबी तू आप जा छोड़ो इसको, है। तो इस तरह की चीजें फिर क्या करती हैं कि ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको और ज्यादा बढ़ा देती हैं, तो जस्टिस कहाँ से मिलना है, तो ये चीजें वो बताता है इसके अंदर। तो आप ये चीजें सारी की सारी जो है वो लिख सकते हैं पेपर के अंदर, जब आप वुमन राइट्स के ऊपर आप कोई भी चीज लिखना चाहें, जेंडर इनक्वालिटी के ऊपर लिखना चाहें, तो यही चीजें आप लिख सकते हैं। करंट अफेयर के अंदर भी कोई किसी, यानी कि कहीं भी आ जाए हाँ वुमन का इशू, तो आप लिख सकते हैं। आगे कहता है लेकिन एक पॉजिटिव चेंज अब हमारे सामने नजर आई है। अब वो पॉजिटिव ये चेंज है कि फेडरल जेंडर क्राइम सेल जो है वो बना हुआ था, तो उसको क्या कर दिया गया है, जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग यूनिट, उसको क्या कर दिया गया है, इनहांस कर दिया गया है, और उसको क्या कर दिया गया है, जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग यूनिट बना दिया गया है। और एंड द एफर्ट्स ऑफ नेशनल पुलिस ब्यूरो की जो एफर्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स की, ये शो, इससे ये शो होता है कि अब जो है इफेक्टिव जेंडर बेस्ड वायलेंस केस की हैंडलिंग होगी, यानी कि अब इससे सिर्फ जो बेनिफिट ये होगा ये सारे काम ऊपर वाले करने से, कि जो भी केस आएगा उसको इफेक्टिवली हैंडल किया जाएगा। अगर कोई औरत आके ये कहती है कि मुझे मेरे शोहर ने मारा है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, बल्कि उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया जाएगा। और ये कैसे होगा, ये नेशनल पुलिस ब्यूरो, यूनाइटेड नेशन वुमेन्स, और ये जो जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग यूनिट, पुलिस के अंदर ये जो यूनिट बनाया गया है, इसकी वजह से ये पॉसिबल होगा, और ये एक पॉजिटिव चीज अब सामने आई है। आगे आ जाती है रेमिडीज, रेमिडीज बड़ी प्यारी हैं जी इसमें उसने लिखी हुई, कि क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द एफर्ट्स, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशंस क्या है। जेंडर बेस्ड वायलेंस तो हो रही है हर जगह पे, करवार भी पाकिस्तान में भी हो रही है, आउट ऑफ पाकिस्तान भी हो रही है। तो आज एक ओपिनियन भी है उसमें, उसने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, आप वो जरूर सुनिए जो है सुनिएगा, जिसमें उसने सिर्फ बताया है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही है, जो ओनर किलिंग है ना, तो इसने बताया है कि यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर भी औरतों को सबसे ज्यादा उनके शोहर मार रहे हैं, और वहां पर उसका नाम बदला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तो ओनर किलिंग कहते हैं लेकिन वहां पर नाम बदल दिया उन्होंने, और नाम बदल के वो क्या कर रहे हैं, औरतों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, वो बाद में ओपिनियन में होगा। अच्छा, रेमिडीज के अंदर जी कहता है कि पहला काम ये करें कि स्ट्रेंथन कर दें एंड इन्फोर्सिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस लॉज, जो लॉज बनाए गए हैं ना जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, कि अगर कोई मारता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, उनको एक तो आप स्ट्रॉन्ग करें और उसको बाद इन्फोर्स भी करें, प्रैक्टिस उनकी करें, एक काम तो आप ये कर लें। नंबर टू क्या है जी, इंश्योर करें स्विफ्ट जस्टिस, स्विफ्ट स्पीडी जिससे कहते हैं, स्विफ्ट गाड़ी भी है ना 1300 cc जो है सुजुकी वालों की, तो उन्होंने भी उसका नाम स्विफ्ट रखा हुआ है, तो स्विफ्ट इसे कहते हैं स्पीड के साथ।
परपिट्रेटर जो जुल्म जालम होता है, जो जुर्म करता है, मुजरम जो होता है, इज क्रूशियल। तो क्या किया जाए, जो भी करेगा जुर्म ये वाला, तो उसको क्या किया जाए, उसको इंश्योर किया जाए कि उसको जल्दी जल्दी जो है उसको सजा दी जाएगी। आगे तीसरा नंबर पर कहते हैं कि कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग करवाई जाए और रिसोर्सेज दिए जाएं पुलिस वालों को और जुडिशियल ऑफिसर्स को, उनको ट्रेनिंग पहली बात है करवाई जाए वो कैसे केस को हैंडल करना है, और उसके बाद उन लोगों को रिसोर्सेज दिए जाएं जो भी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, स्पेशली वुमेन, खास तौर पर वहां पे जो औरतें हैं उनको, और ये क्या है, वाइटल है फॉर सेंसिटिव केस हैंडलिंग के लिए, खास तौर पे जो पुलिस में जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनमें जो औरतें हैं उनको क्या किया जाए, कम्प्रीहेंसिव एक ट्रेनिंग करवाई जाए और उनको रिसोर्सेज दिए जाए ताकि जब भी उनके पास केस आए तो उसको वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। नेशनल कंपेन की जाए टू लोगों को, पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, लोगों को बताया जाए कि ये गलत है, ठीक है ना, और साथ साथ इन उन चैलेंज किया जाए उन सोसाइटी और नॉर्म्स को जो कि डेट परपेट्रेटिव वायलेंस आर असेंशियल, जो ये कहती हैं कि वायलेंस जो है वो असेंशियल है, ज़रूरी है, उन सोशल नॉर्म्स को क्या किया जाए, उनके खिलाफ भी हमारे रिलीजियस स्कॉलर बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं कि ये चीज़ गलत है सोसाइटी में, ये रवायत गलत है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कि अगर जिरगे वाले ने फैसला किया है तो सब स्कॉलर्स को, उलमा कराम को चाहिए था कि वो कहते कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, इतनी बड़ी सजा नहीं है कि आप लोग अगर कोई डांस कर दिया तो उसका कत्ल कर दो, तो यानी कि इस तरह से वो जो भी है कंपेन कर सकते हैं। और इसके बाद कहता है एस्टेब्लिशिंग सपोर्ट सिस्टम एक एस्टेब्लिश किया जाए, जैसे कि शेल्टर एंड काउंसलिंग सर्विसेज व्हाइल एड सर्वाइवर्स इज रीबिल्डिंग देयर लाइव्स लिव्स, यानी कि अगर कोई यानी कि इस सूरत हाल में आ जाती है कि उसको मार पीट के घर से निकाल दिया जाता है, तो बाकी उसके साथ उसको इंसाफ तो दिया जाएगा ये ऊपर वाली कैटेगरीज यूज करते हुए, लेकिन जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तो क्या किया जाए, एस्टेब्लिश किए जाए सपोर्ट सिस्टम्स, यानी कि वहां पर शेल्टर होनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, ये चीजें भी होनी चाहिए जहां पर वो रह सके। और सबसे बड़ी बात वाकई कहता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो कोलैबोरेशन भी जरूरी है, उससे क्या होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, दुनिया में और भी जगह पे ये प्रैक्टिसेस हो रही है ना, कि जहां पर भी पूरी दुनिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस चल रही है तो वो लोग भी तो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे भी सीखा जाए कि अगर उनके पास कोई अच्छा तरीका है इसको हैंडल करने का तो उनसे भी सीख कर वो तरीके पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किए जाए। एंड फाइनली वो कहता है पाकिस्तान की बात करता है कि डिमांडिंग ये जो इशू जेंडर बेस्ड वायलेंस का, ये डिमांड करता है कलेक्टिव सोसाइटिकल विल, पूरे के पूरे माशरे की कलेक्टिव विल, इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट के जितने भी इदारे हैं, पुलिस है, जुडिशरी है, उनकी कमिटमेंट, और इंडिविजुअल करज, और हर बंदे की करज, खास तौर पर अगर औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो बोले बताए मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो फिर ही क्या होगा, इस जो ये प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है इसको क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। तो ये रहा जी आपका सेकेंड एडिटोरियल, इसको आप पेपर पर्सपेक्टिव में अपने, मैंने आपको लोगों को बता दिया है कि आप इसको कहाँ पर हैंडल कर लगा सकते हैं, और इसके अलावा सोशल इश्यूज के अंदर भी ये आपका एक इशू है, पाकिस्तान का ये एक इशू है, तो सोशल इश्यूज के अंदर भी आप इसको फिटअप कर सकते हैं। चलें अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड एडिटोरियल के, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, ऑर्गन होते हैं आपके अज़ा, बॉडी के पार्ट्स, उनको ऑर्गन कहते हैं। ट्रैफिकिंग होता है बेसिकली ट्रेड ही होती है लेकिन इलीगल, डील और ट्रेड इन समथिंग इलीगल, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है ना, डील करना या ट्रेड करना किसी ऐसी चीज में जो इलीगल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैफिकिंग कहते हैं। ट्रेड होगी, डील होगी, डू बिजनेस हो गया, ठीक है ना, बार्गेन होगी, बाय एंड सेल हो गया, कोई भी आप चीज करते हो, ऑर्गन्स का समझ लें कारोबार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है इलीगली जो है, क्योंकि लीगली तो इजाजत है ही नहीं, तो अब वो इलीगली हो रहा है, इसके ऊपर बात होगी। अब इसके अंदर बात क्या होगी कि पाकिस्तान ऑर्गन ट्रैफिकिंग बिजनेस है, कितने पैसे कमा रहे हैं ये बताएगी, इसकी रीजंस बताएंगे, और इसके बाद आपको इसके सॉल्यूशंस भी बताए जाएंगे। तो ये रहा इसके अंदर डिस्कशन होगी हमारी। ऑर्गन ट्रैफिकिंग कहता है पंजाब पुलिस ने एक ऑपरेशन किया है और अरेस्ट किया है कुछ बंदों को जो उसके सस्पेक्ट थे, उनको अरेस्ट कर लिया है। हार्वेस्टिंग किडनीज ब्रिक किलन वर्कर्स, अब वो बंदे क्या करते थे, जो पट्टों के ऊपर जो ईंटों वाले पट्टे हैं वहां पर जो लोग काम करते थे उनके क्या करते थे, किडनीज निकाल लेते थे। अब निकालते कैसे थे कि उनको कहते थे कि हम आपको इससे अच्छी जॉब जो है वो देते हैं,
उनको रावलपिंडी ले जाते थे, और रावलपिंडी जाकर ये कहते थे कि आपका पहले मेडिकल होगा, अगर आपका मेडिकल ठीक रहेगा तो फिर आपको जॉब मिलेगी। तो मेडिकल टेस्ट जब उनका करवाने के बहाने उनको ले जाते थे बोगस जॉब के लिए, तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट के बहाने उनके जो किडनीज वगैरह जो है वो निकाल ली जाती थी, कम अज कम एक निकाल ली जाती थी ताकि वो जिंदा भी रहे। और ये आपने सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ न्यूज भी सुनी होंगी। कहता है इससे पहले एक और गैंग भी था जो कि कुछ सर्जन एक जो है वो रन कर रहा था, इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी प्रीवियस मंथ हमने डिस्कस किया था, उसके ऊपर पूरी डिटेल थी उस सर्जन की, उसके कस्टमर कहाँ थे, उनसे वो कितने पैसे लेता था, तो ये सारी चीजें हमने उस वक्त डिस्कस की थी। तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर सुने, ये सारे कोरिलेट करते हैं। जो कि अक्टूबर के अंदर कहता है उसको क्या किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है ना। और कहता है ये सर्जन जो है ये इसको कई दफा अरेस्ट किया गया था, लेकिन ये फिर मैनेज करके यानी कि मैनेज मुनेज करके पैसे पुसे दे के छूट जाता था, निकल जाता था। अब कहता है कि इस सर्जन की, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे पता था कि मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर इसके गल्फ स्टेट्स में थे, जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया, तो इसके वहां पर ज्यादातर कस्टमर जो थे। अब ये क्या है, कहता है ये जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है ना, ये एक बड़ा बिजनेस बन चुका है ऑर्गन ट्रैफिकिंग। किडनी की ट्रांसप्लांट का कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर करवानी है किसी ने तो 3,30,00,000 रुपया खर्चा है, और अगर किसी फॉरेनर ने करवानी है तो 10,000,000 यानी कि 1 करोड़ रुपया उसका खर्चा आएगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। अब जो विक्टम्स होते हैं ना इसके अंदर, कहते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, जैसे ये ब्रिक किलन वाले हैं, उनको झांसा देकर उनकी किडनी निकाल ली जाती है। कुछ विलिंग भी होते हैं कि ठीक है हम देना चाहते हैं, लेकिन जो विलिंग होते हैं उनमें ज्यादातर वो होते हैं जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, यानी कि गरीबों से भी ज्यादा गरीब होते हैं, और उनको ज्यादातर वो होते हैं जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा होता है, डेब्ट बर्डन होता है जिनके ऊपर। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हम अपने अज़ा भी, चलो अगर हमारे अज़ा बेच के हमें कुछ पैसे मिल जाए तो हम अपना बेच देते हैं। आगे वो कहते हैं कि करना क्या है, किस तरह से इस नेटवर्क को डिसमेंटल किया जा सकता है, वीक किया जा सकता है। तो कहता है प्रोविंशियल हेल्थ बॉडीज और साथ में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और साथ में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये तीनों मिलकर जो है ना काम करेंगे तो इस नेटवर्क को क्या कर सकेंगे, डिसमेंटल कर सकेंगे, अदरवाइज ये कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका थर्ड ओपिनियन एंड थर्ड एडिटोरियल एंड द लास्ट एडिटोरियल। ये पिक्चर है जी आज के जो डॉन न्यूज पेपर के अंदर थी, इसमें आप देख सकते हैं सिराजुल हक जो है ये वो कहते हैं सिराजुल हक रूल्स आउट इलेक्टोरल अलायंस विद एनी पार्टी, यानी कि आपको वो कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी के साथ जो है अलायंस नहीं बनाऊंगा। सो दैट इज टूडे पिक्चर। सो जी एडिटोरियल्स आपके हो गए कंप्लीट, नो वी मूव टूवर्ड्स ओपिनियंस। ओपिनियंस के अंदर भी इंशाल्लाह काफी नई चीजें हैं, नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आप इंजॉय करेंगे। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप कैसा आपको फील हो रहा है, नई चीजें मिल रही हैं, जो भी आपके फीलिंग्स हैं शेयर जरूर कीजिएगा। सो जी फर्स्ट जो ओपिनियन है, फर्स्ट ओपिनियन जो है वो है इट इज अमेरिकाज वार, नो गजा की बात करता है कि गजा के अंदर जो जंग इसराइल कर रहा है वो उनकी जंग नहीं रही, वो जंग अब होगी है किसकी, अमेरिका की। अब ये क्यों कह रहा है, ये इसलिए कह रहा है, कहता है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज इंटेंसिफाइड द सप्लाई ऑफ द मोस्ट लेथल वेपनरी इन टू इसराइल। लेथल होते हैं डेंजरस, ठीक है ना, यानी कि बात ये है कि अमेरिका अब सप्लाई दे रहा है वेपन्स की, बहुत डेंजरस वेपन्स की सप्लाई इसराइल को दे रहा है, और इसराइल उनको चला रहा है किन के ऊपर, गजा वालों के ऊपर, ठीक है। और हालांकि वो वाले वेपन्स जो थे अमेरिका ने भी इस्तेमाल किए थे अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, लेकिन ओपन स्पेसिस के अंदर, पॉपुलेशन के ऊपर नहीं। लेकिन इसराइल उन्हीं को क्या कर रहा है, पॉपुलेशन वाले एरियाज के अंदर ही इस्तेमाल कर रहा है और उसको तबाह कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कई और ऐसे भी साइंस हैं जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका इस जंग के अंदर दाखिल हो चुका है, और मे बी वो चाहता भी ये है कि ये वार जो है ये कंटिन्यू ही रहे, और इसीलिए वो इसको सीज फायर भी नहीं करवा रहा। और ये सारी चीजें इस एडिटोरियल के अंदर वो लिखता है, एंड फाइनली वो आपको कह देगा कि इट इज अमेरिका वार, अब ये अमेरिका की जंग है, इसराइल की जंग नहीं रही। क्रक्स इसका मैंने निकाला था वो यही है। अब कोई भी बात की जाती है ना, एक राइटर कोई बात करता है तो वो अपने से कुछ नहीं कह रहा कि मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि जिन लोगों बच्चों ने एमफिल किया हुआ है या पीएचडी की हुई है या कम से कम रिसर्च की हुई है या कोई रिसर्च पेपर लिखा होता हुआ है, तो वहां पर आप अपने से कोई चीज नहीं कह सकते कि मैं ये कहता हूँ, नहीं, आपको किसी ना किसी का रेफरेंस देना पड़ता है, किसी बुक का, किसी जर्नल का, किसी किसी रिपोर्ट का।
तो ये वाला जो ओपिनियन है ये डिपेंड कर रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के ऊपर। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसकी रिपोर्ट में ये सारा कुछ लिखा हुआ है जो ये वाला ओपिनियन राइटर हमें एक्सप्लेन कर रहा है, और उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सप्लाई दे रही है वेपन्स की किसको, इसराइली फोर्सेस को। और जब इसको कहा गया कि आप सप्लाई दे रहे हैं, इस रिपोर्ट पे लोगों ने बात की, तो यूएसए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइलेंट रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो कहता है इससे ये साबित होता है कि ये अब जंग जो है वो अमेरिका की बन चुकी है, और इससे क्या होगा, अब थ्रेट पैदा हो रहा है सिर्फ रीजनल पीस को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो पीस है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि फिर ये वार जो है ये प्रोक्सी बन जाएगी, और प्रोक्सी ना भी बने हैं तो यहाँ पर ये है, फिर रशिया भी आएगा, ईरान भी आएगा, चाइना भी आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएंगे, और फिर ये जारी जो है वो कल लड़ाई जारी रहेगी। और एक चीज मैं अपनी तरफ से बता दूं, वेपन इंडस्ट्री चलाने के लिए जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जंग का होना जरूरी है, और फिर वो कहीं ना कहीं तो चलनी चाहिए ना। अफगानिस्तान के अंदर अब खत्म हो गई है तो कहीं ना कहीं तो लगानी थी, तो समझ लें ये वेपन इंडस्ट्री के जो बिलियनर्स हैं, जो बिजनेसमैन ब्रेन है, उन्होंने अब ये लगा दी है कहाँ पर, गजा के अंदर। तो अब वहां पर गोलियां चलेंगी, इनका वेपन बिकेगा और ये पैसे कमाएंगे। चलें जी अब शुरू करते हैं। जी तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा, यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया, ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि जनाबी अली अब क्या हुआ है प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, कि इसराइल वाले हैवीएस्ट बम्बारमेंट कर रहे हैं, जब से ये जो एक थोड़ा सा पाउस हुआ था, थोड़ा सा वीकिंग, एक हफ्ता पहले जो लड़ाई का थोड़ा सा उन्होंने कहा था रोक दो, लड़ाई को रुकी, और दोबारा से अब कुछ प्रिजनर और वार का उन्होंने जो प्रिजनर्स थे वो आपस में क्या किए, एक्सचेंज किए, इसराइल वालों ने उनके कुछ बंदे छोड़े, फलस्तीन वालों ने उसके छोड़े, तो ये काम हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ है कि दोबारा से बम्बारमेंट शुरू हो गई है फलस्तीन के ऊपर इसराइल वालों की तरफ से, और ये अब पूरी की पूरी जो स्ट्रिप है उसके ऊपर क्या हो रहा है, बम्बारमेंट वो कर रहे हैं, पहले नॉर्थ गजा पे था, अब साउथ पे भी हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो इसराइल की ये ऑफेंसिव है ना, उससे ये हो रहा है कि मुश्किलात इस चीज में आ रही है कि यहाँ तक कि जो ह्यूमनिटेरियन एड है ना वो भी नहीं लोगों तक पहुंच रही, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं वो कट ऑफ कर दी गई हैं, और इस सारे के सारे मामले के अंदर जो यूएसए है ना वो एक्टिवली क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और ये किससे, बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बैक से क्या कर रहा है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है। आगे वो कहते हैं कि अमेरिकन मेड बम्ब जो हैं वो रिपोर्ट मिल रही है कि हैज बिन यूज्ड सम ऑफ द डेडलीस्ट इसराइल स्ट्राइक इन गजा, जो अब इसराइल जो स्ट्राइक कर रहा है ना अभी के लिए, तो वहां पर जो है ना जो बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अमेरिका के हैं, ठीक हो गया जी। और बाइडन इस तरह से वो कहता है कि इससे तो ये लगता है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उन सारे कामों की जो इसराइल कर रहा है, और ये चीज जो है ये पब्लिश हुई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अंदर, जहां पर बताया गया है कि इसराइली फोर्सेस को जो बम्ब हैं यूज, पावरफुल बम्ब जो वो यूज कर रही हैं वो किसने दिए हैं, यूएसए ने दिए हैं, जो उन्होंने रिफ्यूजी कैंप के नजदीक ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किए थे, और वहां पर 100 से ज्यादा बंदों की डेथ भी हो गई थी। तो अमेरिकन वेपन जो है वो इसराइली यूज कर रहे हैं गजा के अंदर, और इससे क्या हो रहा है, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो क्या किया है, अपनी सप्लाई और बढ़ा दी है, अपने डेंजरस लेथन वेपन्स की सप्लाई क्या कर दी है और ज्यादा बढ़ा दी है, और अब तक उससे क्या हुआ है 6,000 के करीब बच्चे जो है वहां पर उनकी डेथ हो गई है, और यूनाइटेड नेशन के चीफ ने उसको क्या करार दिया, अ ग्रेव यार्ड फॉर चिल्ड्रन जो है गजा को कह दिया है। तो इस सारे के अंदर यही बात वो बार बार कर रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट जो जर्नल है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेंजरस किस्म के हथियार जो है वो इसराइल को दे रही है, और इसराइल उन हथियारों को बेझिझक चला रहा है लोगों के ऊपर, और जिससे जो है अब वहां पर सूरत हाल और ज्यादा खराब हो गई है और ज्यादा तबाही हो रही है। तो इससे ये साबित होता है कि इसराइल को फुली जो है यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन बाइडन की सपोर्ट कर रही है। आगे वो कहते हैं कि ये जो जायोनिस्ट है ना इसराइली, इनको जो है सप्लाई किया जा रहा है, और ये जो बड़े बड़े वेपन्स हैं इसराइल को जो सप्लाई किए जा रहे हैं इनमें क्या है, 15,000 बम हैं और 57,000 जो है
155 mm आर्टरी शेल्स हैं, ये चीज़ें दी गई हैं। और जब ये सारी बात की जाती है कि अमेरिका ने ये चीज़ें दी हैं, तो जो यूनाइटेड स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइलेंट है, खामोश है, उसने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, तो इसका मतलब है उन्होंने ये सप्लाई दी है। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं, मोस्ट अलार्मिंग बात ये है कि इन लोगों ने जो वापन सप्लाई किए हैं उनमें बंकर बस्टर बम भी शामिल हैं। अब बम्बर बंकर बस्ट आप ये कह लें कि बहुत हैवी किस्म के बम होते हैं, ठीक है ना, तो जो कि एक कह लें कि बहुत ज़्यादा डेंजरस वार्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। और ये वार स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि ये जो बम्ब्स हैं ये कैरी वार हेड्स हैं, और ये 9000 किलोग्राम तक इनका क्या है, वेट है 9000 किलोग्राम तक। और यही वाले जो वेपन हैं ये यूएसए ने इस्तेमाल किए थे। कहाँ पर ये बम इस्तेमाल किए थे? अफगानिस्तान की जंग के अंदर भी, इराक की जंग के अंदर भी, और सीरिया की जंग के अंदर भी उन्होंने ये वेपन जो है, बम जो है, इस्तेमाल किए थे। लेकिन वो आगे पैरे में ये कहता है कि यूएसए ने तो ये बम जो इस्तेमाल किए थे ना, लेकिन वो ओपन प्लेसेस के ऊपर इनको इस्तेमाल करता था, लेकिन इसराइल ने इनको ओपन स्पेसेस में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डेंसली जो पॉपुलेटेड एरियाज है ना गजा के, जहां पर लोग रहते हैं, तो वहां पर इस्तेमाल किया है। और यहाँ तक तो इन्होंने कुछ जो हॉस्पिटल्स के नज़दीकी एरिया है वहाँ पर भी उन्होंने इन बमों को इस्तेमाल किया है। और यूनिसेफ ने कहा है कि इन बमों के इस्तेमाल के बाद अब वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं, वो अपना काम जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। आगे वो कहता है कि इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो विलिंग नहीं है कि सीज फायर करवाई जाए, और बल्कि उन्होंने सिर्फ इसराइल को ये कहा है कि आप लोग जो है अपनी जंग जारी रखें, लेकिन जो सिविलियन डेथ्स हो रही हैं उनको ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, कम कर लें। तो कहता है इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है ना, डबल स्टैंडर्ड वाली हिपोक्रिटिकल जो स्टेटमेंट्स है ना जो कि अमेरिका दे रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इससे क्या है, आगे वो कहता है असल में ये दे इसलिए रहा है इस तरह की स्टेटमेंट क्योंकि यूएसए जो है मेड बम्ब जो हैं वो दिए जा रहे हैं, और इससे क्या हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है फाइनेंशियल एड जो है वो ज़ायनिस्ट रेजिम को जो है कंटिन्यू है, वार क्राइम्स के अंदर भी सपोर्ट मिल रही है इनको। और आगे वो कहता है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनको बम या वेपन्स नहीं दे रही बल्कि और भी कर रही है। अब जो है अमेरिका जो है इन मिलिट्रीली भी वहां पर इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है इस जंग में। और उसने आगे बताया है कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो एयर फोर्स है ना उसने कुछ टारगेट्स के ऊपर अटैक किया है इराक के अंदर भी और सीरिया के अंदर भी, उन इलाकों में जहां से उनकी बेस के ऊपर अटैक हुआ था। और इसके साथ साथ यमन के जो हुती रेबल्स हैं उन्होंने भी वार जो है डिक्लेयर की हुई है इसराइल के खिलाफ जब से उसने गजा को इन्वेजन किया हुआ है। आगे वो कहते हैं कि 2500 अमेरिकन जो फौजी हैं वो हैं कहां पर, इराक के अंदर मौजूद हैं, 900 सीरिया के अंदर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जो नेवल प्रेजेंस है ना यूएसए की इस रीजन के अंदर वो भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि इस जंग को लेकर अब वो भी अपना हिस्सा डाल रहा है। और साथ साथ दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपको पता है जो एक बड़ा सा जहाज होता है तो उसके ऊपर, यानी कि एक शिप होता है बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर जहाज उड़ते भी हैं, चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं, जहाज को लेकर जाता है। तो दो एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो, और साथ में एडिशनल ट्रूप्स जो हैं वो ईस्टर्न मेडिटेरियन में क्या कर दिए गए हैं अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं ना इस जंग से, कि ये अब जंग मिडल ईस्ट तक फैल सकती है, वहां पर लाकर खड़े कर दिए हैं, वहां पर पहुंचा दिए हैं। और अमेरिका को मीडिया है वो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि एक स्पेशल जो है सेटअप की गई है नावल टास्क फोर्स, जिसका काम ये होगा कि वो वाले जहाज जो कि रेड सी के अंदर जो है चलेंगे उनको प्रोवाइड करना, क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मैं मैप यहाँ पे लगा देता तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाती, लेकिन चलें अब मुझे याद नहीं रहा, जहन में था लगाना लेकिन मैं लगा नहीं सका, वरना सारा का सारा वहां से आपको बता देता। आगे वो कहते हैं कि मिलिट्री की जो प्रेजेंस है ना इतनी जो बढ़ती जा रही है इस इलाके के अंदर, इससे क्या थ्रेट हो रहा है कि रीजनल पीस को थ्रेट होना शुरू हो गया है। और इसराइल ने जो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस है ना वो वेस्ट बैंक के अंदर भी, सिर्फ गजा के अंदर नहीं वेस्ट बैंक में भी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं।
और अमेरिकन ऑफिशियल जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अब ये जो वार है ना, बेसिकली वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वार जो है ना लंबी वार, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देगी फलस्तीन का। लेकिन कहता है कि ये जो सिचुएशन है ये कंप्लीटली अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर जेनोसाइड किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, तबाही की जा रही है, मिलियंस ऑफ लोग जो है वो जिस उनको अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे हिजरत कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी उनकी स्टेटमेंट के बरअक्स हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस मसले को हल ही करना है, तो इसका मसले का हल ये है कि ये जो इशू है ना, इसको रूट जिसकी रूटेड कॉलोनियलाइजेशन है फलस्तीन की, यानी कि फलस्तीन को कॉलोनी बनाया हुआ है, इसको खत्म कर दें तो इसका हल हो जाएगा। आगे कहता है कि एक और बड़ी ही शेमफुल, शर्मिंदा कुन रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि वो जो बंदे जो है फलस्तीन वाले जो हिजरत करके नॉर्थ नॉर्थ गजा से साउथ गजा की तरफ आए थे, उनको इजिप्ट और जॉर्डन क्या कर दे, उन लोगों को अपने इलाकों में जगह दे दे रहने के लिए, उनको अपने मुल्क में सेटल कर दे। तो ये बड़ी ही जो है शर्मिंदा कुन बात है कि उन लोगों को ये कह रहा है इन मुल्कों में सेटल हो जाओ। और इसके अपोजिट थोड़े दिन पहले यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट है कामला हारिस, उसने ये कहा था कि किसी भी सरकमस्टांसिस के अंदर यूनाइटेड स्टेट इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देगा कि जो फोर्स परमिट द फोर्स रिलोकेशन, कि इन लोगों को जबरदस्ती रिलोकेट किया जाए फलस्तीन वालियों को गजा से और या फिर वेस्ट बैंक से, यानी कि यहाँ से निकाल दिया जाए। तो ये ऐसे कोई भी काम करने की अमेरिका इजाजत नहीं देगा। लेकिन अभी के लिए अपेरेंटली वो कहता है कि ये नजर आ रहा है कि अमेरिका, इट इज नो अमेरिका वार, ये अब अमेरिका की जंग बन चुकी है, और इसके बड़े ही सीरियस रिजल्ट्स आने वाले हैं ग्लोबल पीस के ऊपर। और कहता है कि क्यों, क्योंकि अमेरिका खुद भी पोलिटिकली डिवाइड हो चुका है, ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये जंग जो है इसको खत्म कर दिया जाए, तो लिहाजा अमेरिका अपने घर में भी इस चीज को लेकर डिवाइडेड है। लेकिन अगर वो बाज नहीं आता तो ये जंग जो है ये पूरी दुनिया के पीस को तबाह कर सकती है, आगे भी फैल सकती है। सो जी, ये था आपका जो फर्स्ट ओपिनियन, ठीक है। और इसके अंदर अभी आपको करंटली गजा का जो है वो क्लैरिटी हो गई कि गजा का कहाँ पे सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है, कहाँ जा रहे हैं यूएसए और इसराइल, कहाँ खड़ा है और फ्यूचर में ये क्या होने वाला है, और वो वक्त के साथ साथ जो चीजें होंगी वो फिर हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। करंटली जो सिचुएशन है वो आपके सामने आ चुकी है। सेकेंड, और हमारा ये सेकेंड ओपिनियन रहेगा, लेकिन वैसे अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो ये हमारा फिफ्थ चैप्टर यानी कि फिफ्थ टॉपिक होगा। इसके अंदर वुमेन को डिस्कस किया, वुमेन डाइंग एवरीवेयर, ठीक हो गया, ये बात वो कर रही है। कहती है ऑल कल्चर्स हैव द अबिलिटी टू स्टॉप द एक्सक्यूजेस मेल बिहेवियर एंड लुकिंग अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ वुमेन। सारे कल्चर जो है, क्योंकि कहते हैं ना कल्चर की वजह से लड़ाई हुई, कल्चर जो है वो मर्दों को इस चीज ताकत देता है कि वो औरतों के ऊपर जुल्म करें, उनके राइट्स की वायलेशन करें। तो इस कल्चर को बदला भी जा सकता है, ठीक है ना, इस बिहेवियर को बदला भी जा सकता है। तो फर्स्ट मैं आपको क्रक्स इसका दे देता हूँ। क्रक्स वो सारे का सारा जो हमने भी डिस्कस किया था इससे पहले एक एडिटोरियल भी, उसी को लेकर वो चलती है। तो वो बताती है कि दुनिया पूरी के अंदर औरतें जो है ना वो मर रही हैं। पहले वो बात करती है पाकिस्तान की, जहां पे ऑनर किलिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो कहती है कि यूएसए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा जो औरतें मरती हैं ना, उनको उनके शोहर, उनके बॉयफ्रेंड या उनका जो इंटीमेट होता है, जो नजदीकी होता है, वो उनको मारता है। सबसे ज्यादा जो जवान लड़कियां मरती हैं। अब कहती है कि वहां पर जो है इसी ऑनर किलिंग का नाम रखा हुआ है इंटीमेट पार्टनर किलिंग है ये भी, लेकिन उस उनके कल्चर में उन्होंने क्या कर दिया, अपनी अंग्रेजी में इसका नाम बदलकर ओनर किलिंग नहीं रखा, इंटीमेट पार्टनर किलिंग रखा, और इसको बिल्कुल दबा दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं वहां पर समझी जाती, और औरत की जो डेथ है उसको ज्यादा सीरियस ही नहीं लिया जाता, व्हेन दे आर टॉक इंटीमेट पार्टनर किलिंग, ठीक है। और ये बात किसकी हो रही है, यूएसए की, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, और खास तौर पर यूएसए की, क्योंकि यूएसए भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर है ना। वो एक रिपोर्ट के बाद बताती है, जो रिपोर्ट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिनके पूरे का पारा जो अमेरिका है उसके ऊपर
एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में बताया जाता है, फिर वो यूएसए की बात करती है कि सबसे ज्यादा जो जवान औरतों को की डेथ होती है, उनका कत्ल होता है, वो उनका इंटीमेट पार्टनर करता है। तो वहां पर उसका जो नजदीकी मारता है उनको, तो उसको नाम दे दिया जाता है इंटीमेट पार्टनर किलिंग, और पाकिस्तान में नाम दे दिया जाता है ओनर किलिंग। और पाकिस्तान की बात को उठाकर पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जाता है कि ये देखें जी, ये देखें। और इनको जो अपने घर में मर जाती हैं इंटीमेट पार्टनर किलिंग के नाम के ऊपर, इनको कोई नहीं पूछता, कोई मीडिया पे नहीं दिखाता। तो जनाब ये है इसका क्रक्स कि कल्चर बदलने से कैसे उन्होंने नाम बदल दिए, कल्चर बदलने से कैसे उन्होंने लफ्जों का हेर फेर कर लिया, यही है जी। अच्छा जी, तो क्या है जी इसके अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं जी। पहले वो कहती है कि वही तरह वो 16 दिन चल रहे हैं, 16 डेज जो है, जो अभी अपने बात की ऊपर यूनाइटेड नेशंस वुमेन के कमेमोरेटिंग 60 एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जो है ये काम चल रहा है। और इसमें जो फोकस है यही है कि जो फोकस है अभी मेड अनसेफ लार्जली बाय मैन, कि जो औरतें इस दुनिया में रह रही हैं वो खास तौर पर अनसेफ हैं, गैर महफूज हैं मर्दों से। फिर वो कहती है कि नेचुरली जो वुमेन्स है ना, वो फोर फ्रंट है। जब भी किसी दुनिया के अंदर कहीं कंफ्लिक्ट होता है, जंग होती है, लड़ाई होती है, या क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से फ्लड आ जाता है, या कुछ भी होता है, ये यहाँ पर सिर्फ वो कन्फ्लिक्ट की बात करिए, बाकी मैं अपने से कर रहा हूँ। तो कन्फ्लिक्ट ये यहाँ पे कहती है कि कन्फ्लिक्ट की जहां पे भी होता है पूरी दुनिया में, वहां पर सबसे ज्यादा जो है ना, जो फेस करना पड़ता है ना तबाही को, वो औरतें होती हैं, चाहे वो मर जाएं और जो बाकी बच जाती हैं वो भी सबसे ज्यादा उस तबाही को फेस करती हैं। सारा जुल्म सितम उन पर ही किया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस ने बता एस्टीमेट लगाया है कि 2/3 ऑफ द कैजुअलिटीज इन गजा, के 2/3 ऑफ द कैजुअलिटीज इन गजा किसकी हुई है, औरतों की हुई है और बच्चों की हुई है। यानी कि 100 में से 66 जो है वो औरतें या बच्चे ही फौत हुए हैं, कहाँ पर, जो अभी गजा के अंदर लड़ाई हो रही है। तो यही बात वो कर रही है कि दुनिया में कहीं भी कंफ्लिक्ट हो तो सबसे ज्यादा औरतें उसका शिकार होती हैं। और फिर आगे वो कहती है कि जो नहीं मरती, जो पीछे बट जाती हैं, तो उनका भी हाल बुरा ही होता है। वो क्या होती है, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली जो है वो दबा हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। कई अपने बच्चे खो देती हैं, अपने हस्बैंड खो देती हैं, तो उनको भी जा रही है सदमे होते हैं। तो कहता है ये टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर आप ये चीजें देखते रहते हैं। फिर वो आगे कहती हैं कि अभी जो है गजा की बात ही करती है कि 2 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है इस लड़ाई के अंदर। यानी कि वो अब एक जगह छोड़कर, नॉर्थ गजा छोड़कर साउथ गजा पे जाएं, तो साउथ गजा से आप उनको अगला देगा कि आप इजिप्ट चले जाएं यहाँ से, ठीक है ना। तो वहां पर भी कहती है कि इस सूरत हाल में भी जो औरतें हैं ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है इन डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर। जैसे उनको साफ पीने का पानी नहीं मिलता, सैनिटेशन का उनको प्रॉब्लम होता है। ऐसे मर्द हैं, वो कहीं भी बैठकर, मैं सादी सी अपनी तरफ से बात करता हूँ, शायद आपको बुरी भी लगे, तो मर्दों के लिए अगर वो पेशाब करना चाहते हैं तो वो उनको लिए कुछ स्पेशल वो पर्दा नहीं भी करते, वो कहीं भी बैठकर पेशाब कर लेते हैं। डायबट औरतें ये काम नहीं कर सकती। तो ये क्या है, इसकी वजह से फिर क्या होता है कि सैनिटेशन का उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि सैनिटेशन इन हालात में जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है औरतों के लिए। तो ये बड़ा एक मसला उनको ये भी संदर पेश आ जाता है। तो फिर वो कहता है गजा स्ट्रिप जो है इसराइल की मर्जी की वजह से पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो उसका सबसे ज्यादा जो है बर्डन, सबसे ज्यादा जो है सफर किसको करना पड़ रहा है, औरतों को करना पड़ रहा है। गजा से ये बात गजा की करती है कि औरतों का क्या हाल है। फिर वो कहती है कि गजा को तो छोड़े, ठीक है ये है, लेकिन पूरी बाकी दुनिया में भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस की कहती है, जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 89,000 वुमेन जो है ना, पिछले साल पूरे साल के अंदर 89,000 वुमेन जो है उनका कत्ल कर दिया गया, और उनमें से भी 55% वो वुमेन थी जिनको होमिसाइड जो है फैमिली मेंबर्स ने, यानी कि या इंटीमेट पार्टनर से उनका कत्ल किया, यानी कि घर वालों ने उनका कत्ल किया, जो 55% उनमें से थी। और ये वो आगे से इसी तरह कहती है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ यंग वुमेन, जो जवान औरतें हैं ज्यादातर जो मर जाती हैं अमेरिका के अंदर, और अमेरिका से उसका हम कहती है कि मीन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो वो किस कौन मारता है, वो मारता है जो उनसे प्यार करता है, वही मारता है उन जवान औरतों को।
और इस क्राइम की तरफ कोई तवज्जा कहती है नहीं दी जाती। कहती है कि खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर एंड पर्टिकुलरली यूएसए के अंदर, जो है जहां पर एक वाइट मेजोरिटी है, अमेरिकन ये सोचते हैं कि वुमन हैव इट्स बेटर देयर इन साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट। ये सोचा जाता है ज्यादातर कि जो वहां पर अमेरिका में औरतें रहती हैं वो ज्यादा महफूज हैं इस साउथ एशिया से और मिडल ईस्ट वाले इलाकों में, जहां पर औरतों को ऑनर किलिंग के नाम पर जो है मार दिया जाता है। तो ये भी कोई सही नहीं है, ऐसी जो सोच है वहां पर भी औरतों को जो है काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इसी चीज को कहती है कि ऑनर किलिंग, जैसे कि गर्ल जो है कोहिस्तान के अंदर, जो अभी हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया, तो उनको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है औरतों को। एंड कोहिस्तान की आगे वही बात करता है उस वीडियो की ही, यहाँ पर कि वीडियो जो का जो कंटेंट था वो डॉक्यूमेंटेड था या डेकोरेटेड था, ठीक है ना। और ऑनर किलिंग की बात करता है, कहता है ऑनर क्राइम है यहाँ पर ऑनर किलिंग, लेकिन वेस्ट के अंदर क्या है, वेस्ट के अंदर यही जो ऑनर किलिंग है उसको नाम दे दिया गया इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का, ठीक है ना, बस इतना सा फर्क है। और कहते हैं इंटीमेट पार्टनर ना जो है ना किलिंग के नाम से ये चीज कहाँ चल रही है, वेस्ट के अंदर चल रही है। और आगे वो जो है वाशिंगटन की बात करता है, अलास्का की बात करता है, और एग्जाम्पल देता है कि अभी वाशिंगटन के अंदर एक आदमी ने रिसेंटली अपनी बीवी को, अपनी बहन को और अपने ब्रदर इन लॉ को मार दिया, ठीक है ना। और ये क्या है, कहता है कि ये कोई कल्चरल प्रॉब्लम नहीं है, जिसे हम कल्चरल प्रॉब्लम कहते हैं। और फिर वो आगे कहता है वन ऑफ द टॉप काजेज ऑफ डेथ, ये बड़ी प्यारी है, वन ऑफ द टॉप काजेज ऑफ डेथ फॉर वुमेन अंडर 35 इन द यूएसए इज इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, के जो मेन काज है उन औरतों की डेथ की जिनकी उम्र 35 साल से कम है यूएसए के अंदर, उनकी जो मरने की मेन काज है उनका इंटीमेट पार्टनर है, उनका इंटीमेट जो पार्टनर है वो उनके ऊपर वायलेंस करता है। और यहाँ पर क्या है, जिस तरह यहाँ पर ओनर किलिंग करने के बाद लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी उनको टॉलरेट कर देती है, ठीक है जी ओनर किलिंग के नाम पे भाई ने मारा है, बाप ने मारा है, तो कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह अमेरिका के अंदर भी यही है, और जब जब अमेरिका के अंदर भी ये इंटीमेट पार्टनर किलिंग के ऊपर भी इतना ज्यादा इसको सख्ती से नहीं लिया जाता। तो यही वो बात कर रही है कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, पूरी दुनिया में ही ऐसा ही चल रहा है। और फिर वो आगे आ जाती है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस दिस ईयर, कहता है फोकस ये होना चाहिए कि जो ओनर और ईगो जो कॉमन थ्रेट है या इंटीमेट पार्टनर है उसके ऊपर जो एक्सक्यूजेज हैं उनके ऊपर हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि ये एक्सक्यूजेज जो है ये नहीं होने चाहिए। कि जैसे सारे के सारे कल्चर जो है वो कौन कंट्रोल करते हैं, मैन करता है, किसके नाम पर, औरत की डेथ भी जो है उसके नाम के ऊपर भी। तो ये जो कल्चर्स हैं इनकी जो इनको चेंज भी किया जा सकता है, जो जो एबिलिटी है ना आदमी की बिहेवियर की उसको क्या किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। और तो यही यानी कि इसके अंदर ये बात करती है वेस्टर्न की बात करती है आपके साथ, प्लस आपके साथ यहाँ की बात करती है लोकल की। और उसका मेन फोकस यही था कि आप लोग कहते हैं ना कि यहाँ का कल्चर जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओनर किलिंग हो रही है, तो वहां पर भी ओनर किलिंग का नाम रखा हुआ है इंटीमेट पार्टनर किलिंग, तो वहां पर भी हो रही है। तो लिहाजा इस कल्चर को जो है चेंज करना चाहिए। कल्चर चेंज करने का मतलब है कि आदमी का जो बिहेवियर है टूवर्ड्स वुमेन उसको चेंज करना चाहिए। तो अब आप जब भी वुमेन राइट्स की बात करें, ओनर किलिंग की बात करें, यू कैन ऑल्सो एट दिस पॉइंट के यूएसए में इसका नाम क्या है, और यूएसए के अंदर भी जो सोसाइटी है इस तरह की किलिंग को सोच भी लेती है, जिस तरह यहाँ पर घर वाले माफ कर देते हैं वहां पर भी इसको माफ कर देते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। आगे जी आ जाते हैं, हमारा आज का थर्ड जो है ओपिनियन होगा ये, और हमारा ये फिफ्थ चैप्टर होगा, वैसे सिक्स चैप्टर होगा हमारा, सिक्स जो है आज के लेक्चर का। और वैसे ये है हमारा क्या जनाबी अली, थर्ड ओपिनियन। इसमें ये बात करता है बेसिकली, बड़ी प्यारी बातें इसने की है एजुकेशन के ऊपर लेकर, कि वो जो बच्चे ने अभी थोड़े दिन पहले हमने बात की थी लाहौर के अंदर एक डिफेंस सोसाइटी के अंदर एक बच्चे ने क्या किया,
अंडर एज था, उसने गाड़ी चलाई और उसने दूसरी पार्टी की दूसरी गाड़ी के अंदर वो गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो गई, उसकी सारी फैमिली की डेथ हो गई। तो कहता इस बच्चे की इस गलती का जिम्मेदार कौन है? उसके वालदैन जिम्मेदार हैं, उसका जो हमारी सोसाइटी जिम्मेदार है, या वो अदारा एजुकेशन का जहां पर वो पढ़ता है वो जिम्मेदार है कि उन्होंने उसको मैनर्स नहीं सिखाए? हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट एक्ट? तो उसके ऊपर लेकर वो चलता है, फिर वो एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का वो एक क्या बन चुका है, बिजनेस इंडस्ट्री बन चुका है। और यहाँ पर क्लाइंट कौन है? यहाँ पर क्लाइंट है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर फैसिलिटेटर कौन है? वो है टीचर। और क्रक्स इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कहता है इस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह दूसरी बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर क्लाइंट को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश की जाती है, तो इस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर भी अब यही रूल अप्लाई किया जाता है कि क्लाइंट जो स्टूडेंट है वो नाराज ना हो, क्योंकि अगर वो नाराज हुआ तो वो चला जाएगा और उससे फिर नुकसान होगा बिजनेस को। तो इस चीज को देखकर जो वहां का टीचर है, उस जो फैसिलिटेटर है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन उस टीचर को इतना अख्तियार ही नहीं देती कि वो उस स्टूडेंट के ऊपर कुछ ज्यादा वर्किंग कर सके, कोई इमोशंस कर सके, इमोशनल कोई उसके साथ लिंक कर सके। तो ये एक क्या है, सीधा सीधा बिजनेस हो रहा है जिसमें ऐसी कोई तरबियत नहीं की जाती, बस लेक्चर दो और घर जाओ, ये सिनेरियो होता है। तो वो फिर इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर फिर जो मॉरल वैल्यूज के ऊपर कोई वर्क नहीं होता, और इसी तरह से फिर वो आगे एजुकेशन को है वो एक्सप्लेन आउट करता जाता है। और फिर वो यही कहता है कि ये जो बच्चे का इंसिडेंट था इसके अंदर तकरीबन सारे ही जिम्मेदार हैं, उसके पेरेंट्स भी और ये भी। ठीक है जी, तो देख लेते हैं अंदर क्या है जिसके क्रक्स मैंने आपको बता दिया। चले जी, कहते हैं कि रिसेंटली एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, और लाहौर के अंदर 17 साल का एक बच्चा है वो एक्सीडेंट कर देता है, गाड़ी मार देता है किसी दूसरे के अंदर, उसके सारे फैमिली मेंबर्स मर जाते हैं। तो कहता है कि ब्लेम किसको करें, हु इज रिस्पॉन्सिबल? पेरेंट्स को करें, सोसाइटी को करें, या फिर उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को करें जहां पर वो पढ़ता है? आगे वो कहता है कि कम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर इज टू ब्लेम, इन सब का कम्बिनेशन उसको ही ब्लेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। कहता है एजुकेशन स्टेब्लिशमेंट पहले उसकी बात करता है, कहता है ये एक कॉरपोरेट एंटिटी बन चुकी है, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड बन चुकी है, बिजनेस बन चुकी है, जहां पर क्लाइंट कौन है, स्टूडेंट है, और टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है। और इस टीचर जो फैसिलिटेटर है उसको अलाउ नहीं है कि वो एक लिमिट से ज्यादा क्या कर सके, इंटरवीन कर सके, ठीक है ना, और वो लिमिट रखा हुआ है उसके ऊपर। कहते हैं हमेशा इस कॉरपोरेशन के अंदर स्टूडेंट वेलफेयर की बात की जाती है, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, यानी कि कॉरपोरल पनिशमेंट की बिल्कुल ना हो, ठीक है ना, जीरो, सम टाइम नो। कहता ठीक है, मैं भी यही कहता हूं कि बिल्कुल कॉरल पनिशमेंट यानी कि जिस्मानी सजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, मैं कब कहता हूँ होनी चाहिए। और आगे वो फिर कहता है कि टीचर जो है वो क्या है, उनको कहा जाता है कि आप लोगों ने इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, इनका डिसिप्लिन जो है बरकरार रखना है, सम हो जितना आप कर सकते हैं, कहता जो कि बिल्कुल डिफिकल्ट है, या फिर कह लें कि इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है कि बगैर पनिशमेंट के, जीरो टॉलरेंस के हम क्या करें, ये डिसिप्लिन कायम कर सकें। और कहता है इस चीज को जो बच्चे हैं वो भी रियलाइज करते हैं कि टीचर्स की जो है ना अथॉरिटी थोल्टी कोई नहीं रह गई, और इस चीज को वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रक्टर की इस अथॉरिटी के, टीचर की अब वैल्यू को नहीं रहेगी, तो वो क्या करते हैं, अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करते हैं, और उससे क्या होता है, हमारे सामने मुख्तलिफ ड्रामे हमें देखने को मिलते हैं। अब कहते हैं कि एक और काम हो गया है कि स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू इमोशनल हेल्थ काउंसलिंग इन एलीट स्कूल्स, जो एलीट स्कूल्स है ना वहां पर बच्चों की इमोशनल हेल्थ काउंसलिंग भी होती है कि क्या बच्चे जो है किसी वजह से डिप्रेस तो नहीं है। लेकिन कहता होती तो है, लेकिन यहाँ पर एक खराबी ये भी है कि कोई इफेक्टिव पैरामीटर नहीं है जिससे इसको नापा जा सके, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, कहता बाजू का जो वालदैन है बैड पेरेंटिंग, वालदैन की अच्छी तवज्जो नहीं होती, इमोशनल हेल्थ जो है ना, इमोशनल हेल्थ काउंसलिंग की बात करते हुए कहता है कि वालदैन की जो है ना बाजू का बैड पेरेंटिंग, न्यूक्लियर फैमिलीज के सिंगल पार्टनर
पेरेंट जो है, हाउस होल्ड, सोसाइटिकल फैक्टर, यानी कि क्या होता है बाज का जो बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अलग पार्ट रह रहे होते हैं, अपना पार्ट ज्वाइंट फैमिली नहीं होती उनकी, या कह लें कि उनमें से किसी का सिर्फ बाप होता है या सिर्फ किसी की माँ होती है, तो वहां से भी क्या होती है बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं होती, तो बच्चों के जो इमोशंस हैं वो भी डिस्टर्ब रहते हैं। कहता है बॉयज जो होते हैं जहर है उनको एक हद तक, एक उम्र तक बाप की जरूरत जरूर होती है। तो ये सारी चीजें क्या कहती हैं कि इन चीजों को देखकर उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर अफेक्ट भी होता है। तो इसके लिए जो अलीट स्कूल्स हैं उन्होंने क्या बनाए हुए हैं, इमोशनल जो है हेल्थ काउंसलिंग बना काउंसलर बनाए हुए हैं, लेकिन उनके पास भी कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि वो इसको नाप सकें। आगे फिर वो कहता है वो 17 साल का जो बच्चा है वो भी एक लीड प्राइवेट स्कूल में जो है वो पढ़ता था, और वहां पर जाहिर है प्रॉपरली जो फैकल्टी होगी वो भी अच्छी होगी, और कहता है कि जो एजुकेशन है वो अब कमर्शलाइज हो चुकी है, बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जो है ट्रीट किया जाता है, और कहता है हर बच्चा जो होता है वो एक ब्लैंक चेक होता है जिस जो के वेट कर रहा होता है कैश होने के लिए, और कहता है कोई भी अकलमंद इंसान जो है उस ब्लैंक चेक को रिफ्यूज क्यों करेगा। तो वो बात ये कहता है कि अब एजुकेशन जो है वो क्या बन चुका है, कमर्शलाइज हो चुका है। और फिर वो स्टडीज इन एट मिशनरी स्कूल की बात करता है कि वहां पर जो है काफी मुश्किल होता है, राइट फंड एट हार्ट एक्सेप्ट द एक्सटेंट विच टीचिंग प्रोफेशन हैज चेंज्ड, कि वहां पर टीचिंग प्रोफेशन जो है वो चेंज हो ये काफी हार्ड होता है। आगे वो कहता है कि जो टीचर होता है ना उसको कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो एंजॉय कर सके, ठीक है ना, और वो उसके हाथ बंधे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके हाथ जो होते हैं बांधे होते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी जवाबदेह होती है सीनियर मैनेजमेंट को, तो जो टीचर है उसके पास कोई खास अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है ना जी। आगे कहता है कोई शक नहीं है कि जो नई यंग जनरेशन आ रही है ना वो यंग जनरेशन, इट इज नो डाउट दैट द यंग जनरेशन इज फार ब्राइटर देन इट्स प्रेडिसेसर्स, कि जो यंग जनरेशन है वो अपने प्रेडिसेसर से कोई ज्यादा ही ब्राइट है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये क्यों है, टेक्नोलॉजी की वजह से है, लेकिन कहते हैं कि अब जो है जो मॉरल्स एंड एथिक्स है ना वो पीछे चले गए हैं, क्यों, क्योंकि जो प्राइवेट एजुकेशन है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसने क्या किया है, उन्होंने जो है पेरेंट्स को, यानी कि जो एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट है ना वो पैसे अब कमाना शुरू हो गई है, और इस वजह से अब क्या है जो मॉरल वैल्यू है वो काफी पीछे जा चुकी है। अब स्कूल्स ये चाहते हैं कि टीचर हो हैप्पी, हैप्पी टीचर उनको चाहिए, ठीक है ना, जो मेंटली फिजिकली इमोशनली जो है ना हर दम हैप्पी हैप्पी रहे, जिसकी अपनी पर्सनल जो है प्रॉब्लम्स वो यहाँ पर लेकर ना आए, और इसी चीज को वो आगे कहता है कि जो इमोशनल लेबर है ना वाज़ अ कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया था जब मैं मास्टर्स में था, और ये फूड इंडस्ट्री के अंदर कहता है इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचनी होती बल्कि साथ में सर्विस भी देनी होती है, तो कहता है यही काम जो है वेस्ट की जो प्री डोमिनेटरी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं वो कर रही हैं, कि साथ में इमोशनल लेबर भी आ रही है, तो यही काम जो है यहाँ पर भी किए कहते हैं, कह रहे हैं कि टीचर जो हैं वो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जो है प्रोडक्ट कम सर्विसेज दें, यानी कि टीचर जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो क्या करें, काम करने के साथ साथ जो है अपने स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को स्माइल भी दें उनको, यानी कि उनके साथ खुशी से बात करें, खुश रहें, ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स क्या है वो इस वक्त कह रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स हैं, और वो जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं प्राइड के साथ क्या करते हैं डिस्प्ले भी करते हैं, खास तौर पे जो लायक होते हैं, जो नलायक होते हैं उनकी कोई भी स्कूल जो है ओनरशिप नहीं लेता, और कहता है स्कूल्स को तो वैसे एक्सपोज किया हम ये कर रहे थे कि स्कूल को तो ऐसी चीजों से जो वेयर हाउस ऑफ नॉलेज हम समझते हैं उसको ये एजुकेशन इंडस्ट्री की तरह वर्कआउट नहीं किया करना चाहिए, यहाँ पर जो है सही इथोस जो है एजुकेशन में वो देनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि कल वो सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बन सकें, और एजुकेशन जो एस्टेब्लिशमेंट है आर सेक्रेट एंटिटीज Responsible for shaping future generation and their sanctity must be upheld. कहता है कि एजुकेशन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी ही मुकद्दस जगह है जो कि जिसकी जिम्मेदारी ये है कि फ्यूचर जनरेशन जो है उसको क्या किया जाए, फ्यूचर जनरेशन को शेप किया जाए,
तो ये यहाँ से आपको एजुकेशन का जो है वो आइडिया हो गया कि किस नेचर की जो एजुकेशन दी जा रही है। और आप जहर आप लोग भी सारे स्कूल कॉलेज से पढ़ के आए हैं, तो अब आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि एजुकेशन का क्या हाल हो रहा है। और ये मेरे ख्याल में जितने का जितना इसने ओपिनियन लिखा है, ये रियलिटी बेस्ड लिखा है, इसके अंदर कोई उसने झूठ नहीं बोला। डेडली डिप्लोमेसी टुडे लास्ट ओपिनियन सेवंथ वन डेडली डिप्लोमेसी जी, हेनरिक सिंगर साहब हैं पाकिस्तान के डिप्लोम यूएसए के डिप्लोमेट थे। इनकी 100 साल उम्र हो गई है और थोड़े दिन पहले इनकी डेथ हो गई है। अब इसके ऊपर बात हो रही है कि इसकी जो पॉलिसीज हैं, हेनरिक सिंगर की जो पॉलिसीज थी, वो जो है पॉलिसीज हैं वो सही थी या गलत थी। उन पॉलिसीज से यूएसए को तो फायदा पहुंचा, तो क्या बाकी दुनिया को फायदा पहुंचा? या इन्होंने जो हमेशा से क्या किया, अपना ही सोचा नहीं कि इससे क्या हुआ, इसकी जो डिप्लोमेसी की पॉलिसीज थी तो उससे क्या दुनिया में क्या अच्छाई हुई, बुराई हुई, क्या हुई? तो ये इसके ऊपर आजकल जो है वो डिबेट हो रही है। कोई कहता है गलत है, कोई कहता सही है। बहरहाल ये जो हमारे मेहर अली साहब हैं, इन्होंने तो सादा सादा ही कह दिया, सीधा सीधा ही, कि जो किसिंगर है लेजसी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, किसिंगर लेजसी, लेजसी कहा जाता है बेसिकली जो आप इनहेरिटेंस में छोड़ जाते हैं अपने, ठीक है ना, जैसे अमाउंट ऑफ मनी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, या कुछ आप जो पीछे छोड़ जाते हैं, इज कहता है कॉपियसली, लार्ज क्वांटिटी जो है वो कहता है कि लेस्ड विद ब्लड, यानी कि हेनरी सिंगर ने जो पीछे छोड़ा है उसकी जो बड़ी क्वांटिटी है उसको में हम कोई खून नजर आता है, ये सादा अल्फाज में ये कहता है। इसका मतलब है कि ही थिंक सो नेगेटिव, कि इसकी जो डिप्लोमेसी थी वो अमेरिका लिए के तो बेनिफिट्स हो सकती हैं, लेकिन बाकी दुनिया में उन्होंने तबाही मचाई हुई थी। तो पहले मैं इसका आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हेनरिक सिंगर का जहां से पीक है, बस वही बताऊंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाता। हेनरिक सिंगर जो है जनाबी अली, 56 यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और ऑफिस में ये 1973 से लेकर 1977 तक रहे, और तब के जो प्रेसिडेंट थे वो थे रिचर्ड निक्सन, और साथ के बाद थे गैरल्ड फोर्ड। रिचर्ड निक्सन आई थिंक सो 38th प्रेसिडेंट था मे बी। अब जी हेनरिक सिंगर जो है इन ये जर्मनी में वैसे पैदा होते हैं, और 1923 में, और देखें 2023 में ये फोर्थ हो जाते हैं। अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल कंसल्टेंट थे, पॉलिटिशियन थे, हु सर्वड एज द यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द प्रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिचर्ड निक्सन एंड दिस एंड, यानी कि दो काम किए, यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे और साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे इन दो प्रेजिडेंट्स की जिंदगी में। ये मैंने बिल्कुल कट करके जो इसका पीक वाला है वो बताया, बाकी बहुत कुछ है। एजुकेशन इन्होंने पीएचडी की हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। नोबल पीस प्राइज इनको मिला था 1973 के अंदर। मिलिट्री के अंदर भी रह चुके हैं, वहां पर एज ए सार्जेंट इन्होंने वर्कआउट किया था, ठीक है ना, सार्जेंट इन्होंने किया था 1943 से लेकर 1946 तक। वर्ल्ड वार टू में भी रहे, बैटल ऑफ बल्का में भी रहे, और ब्रॉन्ज स्टार्स में भी इनका मिलिट्री अवार्ड जो मिला हुआ है वो ब्रॉन्ज स्टार्स है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की आर्मी के अंदर भी ये जो है इन्होंने सर्व किया हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां छोड़ा और इधर आगे। बुक्स इनकी हेनरिक सिंगर की ये वाली है काफी है जी, इनमें डिप्लोमेसी बड़ी मशहूर है, वर्ल्ड ऑर्डर बड़ा मशहूर है, और बाकी ये कुछ इनकी मैंने वैसे ही एक पिक्चर लेके लगा दी थी। काफी काफी इन्होंने बुक्स भी लिखी हुई है। और अब चलते हैं आगे, आप आपको बताते हैं कि ये क्या करते हैं किसिंगर की वो बात करते हैं। कहते हैं 1970s के अंदर जाहिर है इनका रूज था जी। हेनरी किसिंगर जो है वो क्या करते हैं जी, पीस मेकर है उस वक्त के, क्या है 1970s में उनको कंसीडर किया जाता है, लेकिन नॉट सो मच एज अ पीस मेकर ही प्रिटेंडेड टू बी देन, यानी कि उस वक्त उनको बड़ा पीस मेकर समझा जाता था, लेकिन इतने थे नहीं वो। तो अमेरिका की एम्पायर को है उनको कंसोलिडेट किया, उसको उन्होंने खड़ा किया, उसके अंदर उनका बड़ा रोल था, जस्ट लाइक अ सुपरमैन। किसिंगर कहता है 100 साल का हो गए, ठीक है ना, उनकी एज थी, और वो कुछ हफ्ता पहले उनकी डेथ हो जाती है, और यानी कि उन्होंने क्या किया, डिप्लोमेटिक सुपरस्टार थे अपने वक्त के, जिन्होंने यूएसए के जो इंटरेस्ट हैं उनको हमेशा से तरजीह दी है, और जैसे कि वर्ल्ड वार टू कह रहे हैं उसके अंदर भी उन्होंने, और उसके बाद भी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो यूएसए के इंटरेस्ट थे, यूएसए के इंटरेस्ट मतलब के जो वहां की बिजनेसमैन एलीट क्लास है उसके इंटरेस्ट, तो उन्होंने उनको क्या किया, हमेशा क्या किया है,
कोशिश की जाए कि उनको सर्व किया जाए और सेव किया जाए कैपिटलिज्म को। आगे वो कहता है वी द पीपल, ये क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो वहां पर वो उनको ये इसके इतना फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने हमेशा सब की बात की है। और वेस्टर्न मीडिया जो है पिछले हफ्ते उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी कर रहा था कि उन्होंने कोई भी जो है कई ऐसे काम भी किए हैं, जैसे लैटिन अमेरिका है, एशिया है, मिडल ईस्ट है और अफ्रीका में कई काम भी ऐसे किए हैं जिनके ऊपर काफी वायलेशन भी हुई हैं। यानी कि अब उसकी डेथ हो गया, अब उसके बाद क्रिटिसिज्म हो गया। कहता है कि सिंगर जो है यूएसए फॉरेन पॉलिसी उसने एस्टेब्लिश की थी, ठीक है ना, 1968 के जब इलेक्शन होते हैं, रिचर्ड निक्सन आता है तो फर्स्ट टाइम वो जो है वो ऑफिस में जाते हैं, ठीक है ना, और वहां से रिचर्ड निक्सन के साथ जो है वो जस्ट लाइक वर्कआउट करते हैं एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और किसिंगर जो है थे, और रिचर्ड निक्सन जो था वो रिपब्लिकन था, ठीक है ना, और उसके बाद जो यूएसए की वार थी ना इन इन इंडो चाइना ड्रैक्ट, इसमें भी क्या किया था कि इसने अनदर 5 ईयर जो है ना इसको उस वार के अंदर, यानी कि इसकी जो पॉलिसी थी यूएसए वार के अंदर जो उसकी इंडो चाइना वार थी उसके अंदर जो निक्सन की रिच इसी की किसिंगर की ही क्या क्या थी अप्रोच थी, जिसकी वजह से 5 साल यानी कि कई इसको जो है साल वहां पर ज्यादा जो है इस वार के अंदर रहना पड़ा। और निक्सन इमर्ज्ड एज अ रिपब्लिकन नॉमिनी, सिंगर कैरिड फॉरवर्ड हेल्प वेटन प्रिवेंट वेटन, यानी कि इसकी वजह से क्या था कि वेटनम के अंदर जो वार हो रही थी उससे भी बचा जा सकता था, उसको भी खत्म किया जा सकता था, वेटनम वार को भी, ठीक है ना, और साथ साथ इसके जो है पीस एग्रीमेंट भी हो सकता था, लेकिन इसने जो है इस वेटनम वार को भी आगे किया और साथ साथ कंबोडिया और लाओस के अंदर भी जो है जितनी भी तबाही हुई वो सारी की सारी इसी बंदे की जो है अकलमंदी की वजह से वो कहता है हुई थी। एंड जी देन वो कहता है कि व्हाइट हाउस के अंदर थे विलियम ये वाले जो है वह हेनरिक सिंगर साहब, और उस वक्त जो विलियम रोजर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम रोजर, वो ये कोशिश कर रहे थे कि विलिंग थे कि यूएसएसआर के साथ क्या हो जाए एक सुलह हो जाए और उससे क्या हो मिडल ईस्ट के अंदर पीस एग्रीमेंट हो जाए और फलस्तीन को जो है वो उसका भी जो है ब्लड शेड वहां पर रुक जाए। तो ये सारी की सारी कौन कर रहे थे, विलियम रोजर्स कर रहे थे, लेकिन हेनरी साहब ने उसकी जो है वो शुक्लो उसके जो चीजें वो सोच रहे थे उनको बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा कर दिया। इंटरेस्ट ऑफ इसराइल, आगे जो है यहाँ पर जो मेन है वो है शटल डिप्लोमेसी। शटल डिप्लोमेसी की वो बात करते हैं, शटल डिप्लोमेसी क्या होती है पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि यानी कि ये अगर फलस्तीन है और ये क्या है इसराइल, ये डायरेक्ट आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है, तो इनको एक तीसरा बंदा चाहिए जो शटल, जैसे आप खेलते हैं ना बैडमिंटन, तो वहां पर क्या होता है शटल का आप लोग क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, इधर से वो मारेगा इधर आएगी, फिर इधर से ये मारेगा इधर जाएगी, इसे कहते हैं शटल डिप्लोमेसी। थर्ड पर्सन बीच में होता है जो इस बंदे की बातें लेकर इसके पास जाता है, इससे डिस्कस करता है, फिर ये लेकर वापस इसके पास आता है, इससे डिस्कस करता है। तो इस वक्त जो थी ना उस वक्त की शटल डिप्लोमेसी जो थी उसके अंदर जो था ये बड़ा हेनरी किसिंगर जो है वो मशहूर हुआ चुका था, और ये उस वक्त जो इसराइल और यूएसए अरब इजिप्ट ये सारे के सारे सोवियत यूनियन ये जो इश्यूज चल रहे थे उस वक्त के, तो उनके अंदर जो है शटल डिप्लोमेसी में इसको बड़ी जो है कामयाबी थी। और वो आगे एक और भी बात कर देता है कि ये हेनरी किसिंगर की जो शटल डिप्लोमेसी थी उसी के रिजल्ट है कि आधी सेंचुरी के बाद भी यूएसए इस चीज पे मजबूर है कि वो क्या करे, जो इसराइल जो कर रहा है ना फलस्तीन के अंदर उसको सपोर्ट करे, उसको कर सपोर्ट करना पड़ रहा है। और इसके अलावा वो कहता है जो जेनोसाइड होता है ना उसका जो है ना हेनरी किसिंगर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो हैप्पी था, जैसे कि वेटनाम के अंदर लाओस कंबोडिया के अंदर जो जंगें हो रही थी तो वो इनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था और वहां पर कहता था कि यहाँ पर बैंक जो भी करना है बम फेंकना है जो भी करना है करो 1970s के अंदर, तो वो फुल इसकी जिम्मेदारी लेता था। तो इस तरह की यानी कि बातें हैं। और आगे जाकर वो जो है बात करता है जैसे पाकिस्तान की और ईस्ट की, ठीक है ना, पाकिस्तान की और ईस्ट तैमूर की, तो इनके अंदर वो इंदिरा गांधी की बात करता है, यहिया की बात करता है, यहिया खां की बात करता है, सिवल वार तो 1971 की बात करता है। तो ये सारी के सारी वो क्या कहता है कि ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे मामला जो है हेनरी किसिंगर की जो पॉलिसीज थी ये उसी के ऊपर सारे के सारे काम हो रहे हैं। और इसके बाद वो कहता है अभी भी और इसके बाद भी जब वो रहा नहीं रहा तो उसके बाद भी एक उसकी है हेनरी किसिंगर एंड एसोसिएट्स, उसकी एक फर्म है, ठीक है ना,
और अभी भी एक सोर्स ऑफ एडवाइस है, उसके बाद भी सोर्स ऑफ एडवाइस रहा यूएसए की जो एडमिनिस्ट्रेशन आई थी थ्रू दिस फर्म, इस फर्म के तहत उनको क्या करता था वो एडवाइस देता था। और आगे वो 9/11 की बात करता है कि 9/11 का जब इंसिडेंट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें वो ये भी कहता है कि जब जो 9/11 होता है तो उस वक्त जो कमीशन बनता है वो इसको फर्म को कहता है कि हमें अपने क्लाइंट्स की जो है आप लिस्ट दें, तो ये उनको उसकी लिस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो समझता था कि इसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसिस हो सकते हैं। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनके जो क्लाइंट्स थे वो कौन कौन से थे। तो ये जस्ट एक हल्का सा उसने ओवरव्यू लिया रिगार्डिंग हेनरी किसिंगर। इसमें कुछ भी नहीं, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जनाब अली इसकी जो डिफरेंट पॉलिसीज थी, एक दो जो उसने डिस्कस की हैं कि जैसे अभी मैं शटल डिप्लोमेसी की बात करता हूँ जिसकी वजह से ये काफ़ी मशहूर था। और आप सादा कह लें कि अभी जो गजा के अंदर चल रहा है, अभी जो यूएसए के अंदर यूएसए जो है इसराइल को अभी भी सपोर्ट कर रहा है, वो इतनी तबाही मचा रहा है, तो उसके अंदर इसकी ये जो शटल डिप्लोमेसी के मनसूबे थे वो भी ऐड थे। उसकी भी एक वजह कह लें कि यूएसए की अभी जो अभी भी उसको सपोर्ट करने की मजबूरी है, डेट इज शटल डिप्लोमेसी जो हेनरी किसिंगर की थी। तो जनाब ये था टुडे हमारा लेक्चर आज का, और बाकी आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने अब कैसा लगा, ठीक है ना। एंड थैंक यू वेरी मच जी, हैव अ गुड डे, एंजॉय करें, पढ़ें, एंजॉय करें, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें, एंड थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।